पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स को अपना केवाईसी अपडेट कराने को कहा है। बैंक के अनुसार जिन ग्राहकों का केवाईसी 12 दिसंबर के बाद पेंडिंग रहेगा, उन्हें अपने खाते से लेन देन करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए 12 दिसंबर तक सभी ग्राहकों को हर हाल में केवाईसी कराना बहुत ही जरूरी है। दरअसल एक प्रेस रिलीज में पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों का केवाईसी अपडेशन बाकी है, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर दो नोटिस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना दे दी गई है। बैंक ने अपने ट्वीट में यह भी कहा था कि RBI के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी ग्राहकों के लिए KYC अपडेशन जरूरी है। अगर आपका खाता 30 सितंबर तक KYC अपडेशन के लिए ड्यू था, तो आपको इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है। 12 दिसंबर से पहले अपने KYC को अपडेट करने के लिए बेस ब्रांच से संपर्क करें, क्योंकि अपडेशन न करने के चलते आपके अकाउंट के ऑपरेशन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि आपके पंजाब नेशनल बैंक की KYC हुई है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं? तो इसकी जानकारी के लिए आपको कस्टमर केयर नंबर पर फोन करना होगा। बैंक ने कहा है कि ग्राहक कस्टमर केयर नंबर 1800-1802-222 पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर टोल फ्री है। आप चाहे तो बैंक के ब्रांच में जाकर अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। बैंक में आपको KYC के फॉर्म मिलेंगे, उसे भरें और साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट को अटैच करके अपना फॉर्म जमा कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आपका KYC अपडेट हो जाता है। वहीं अगर आप घर बैठे KYC अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को ईमेल करने होंगे। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड मेल ID से ही भेजें। आपको बता दें कि KYC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक पहचान प्रक्रिया है, जिसकी मदद से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहक के बारे में अच्छे से जान पाती हैं। KYC यानी नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जानना। बैंक और वित्तीय कंपनियां इसके लिए फॉर्म को भरवा कर इसके साथ कुछ पहचान के प्रमाण भी लेती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।